मंत्री जी ने कहा कि पार्टी में आए उपेंद्र कुशवाहा, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। सीधे तौर पे एक झुंझुना मेरे हाथ में थमाया गया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर बोले। पटना में उन्होंने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और एक बार फिर से उनके निशाने पर नीतीश कुमार रहे। लगातार नीतीश कुमार से वो नाराज चल रहे हैं और नीतीश कुमार के बयानों से आहत होकर उपेंद्र कुशवाहा इस बार क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि उनके हाथ में झुंझुना थमा दिया गया, जरा सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बात कही थी जिसमें कुछ बातों पर अपनी ओर से प्रतिक्रिया पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने दी थी और कुछ चीज जो बच गई है या बाद में उन्होंने कही है उस पर आज बात करनी है। एक तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा आए, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी में आए उपेंद्र कुशवाहा, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। और दूसरा कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से हम बहुत स्नेह करते हैं। अब किस तरह से इज्जत दी यह कहने का भी प्राय या फिर कई बार सीधे तौर पे कहा भी गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, एमएलसी बनाया, इसी का मतलब निकाला जाता है कि बहुत इज्जत दी गई। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जरूर बनाया गया और जब बनाया गया था तो हमको भी लगता था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो दायित्व होता है पार्टियों में, उन दायित्वों को निर्वहन करने का अवसर मुझको मिलेगा और उस अवसर के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा हम कर पाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष मुझको बनाया गया तो सीधे तौर पे एक झुंझुना मेरे हाथ में थमाया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जिस दिन बनाया गया था उस दिन पार्टी के संविधान में पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो सुना आपने, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि नीतीश जी सम्मान की बात करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जब से पार्टी ज्वाइन की तब से हमने उन्हें सम्मान दिया। किस बात का सम्मान दिया? पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष तो बनाए गए, लेकिन क्या वो सारे अधिकार उपेंद्र कुशवाहा को मिले जो एक पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर मिलने चाहिए थे? ये तमाम सवाल उपेंद्र कुशवाहा उठा रहे हैं। इसके साथ ही ये भी कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का यानी कि जदयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर मेरे हाथ में सिर्फ झुंझुना थमाया गया। किसी भी फैसले को लेने का, किसी भी सुझाव को देने का अधिकार ना तो नीतीश कुमार जी ने दिया और ना ही पार्टी ने दिया। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा कई अन्य मसलों पर भी बातचीत कर रहे थे और एक इशारा वो बार बार कर रहे थे और कह रहे थे कि जिस दिन अपने आप वो फैसले लेने लगेंगे उस दिन हम समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार सही काम कर रहे हैं। और इशारों में उन्होंने किस पर निशाना साधा वो हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।